नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। देश में हर शुक्रवार मनोरंजन जगत के लिए एक खास दिन होता है, वो इसलिए कि हर शुक्रवार को नई मूवी रिलीज होती है। और इस बार 2009 के तहलका मचाने वाली वो हॉलीवुड मूवी अवतार का सीक्वल अवतार 2 द वे ऑफ वाटर रिलीज हुई है। इस मूवी के प्रदर्शित होने पर हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने जानी दर्शकों से उनकी राय, कैसी है ये अवतार मूवी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के उमराव मॉल में। और आइए यहाँ बात करते हैं हम जेम्स कैमरॉन की निर्देशक में बनी फिल्म अवतार, जो 2009 में आई थी। इसको बहुत ही तारीफ मिला था और आज ये 13 साल के बाद इसका दूसरा पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हुआ है। और जानते हैं यहाँ के जो प्रशंसक, यहाँ के जो दर्शक हैं उनसे कि इस मूवी के वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जो पहली जो मूवी थी अवतार और ये दूसरा पार्ट आया है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो बात करते हैं यहाँ के दर्शकों से कि पहली मूवी से जो दूसरी मूवी है वो कितना अलग है। दूसरी पार्ट आया है उनके दर्शकों से कि उनकी मूवी ये कैसी लगी। सर बताएंगे, जो अवतार द वे ऑफ वाटर आया है इस बार, पहली जो मूवी थी अवतार जो 2009 में आई थी, अभी 13 साल बाद आप लोग जो वेट कर रहे थे, तो क्या आपको अच्छा लगा, क्या देखने में लगा इस बार? देखिए, पहले जो आई थी वो उस टाइम VFX था जी। वो उस टाइम बेस्ट था, बट उसके अकॉर्डिंग अगर अब देखा जाए तो काफ़ी कुछ अपडेट हो चुका है, बट अभी भी उसी वही लेवल है जो पहले था। मतलब उसको अपग्रेड उसी लेवल का किया है जो जिस लेवल का पहले था। आप बताइए सर, आपको कैसी लगी मूवी? मूवी तो मेरे हिसाब से 5 out of 5 है, क्योंकि VFX तो पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है। और कहानी को जहाँ से खत्म किया गया बिल्कुल अच्छे से वहीं से वापस शुरू करके, तो आपको उसमें अलग कुछ और दिखाने को मिला उस स्टोरी में? मैम, उस स्टोरी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया गया, इतने साल बाद भी वो मूवी ऐसा नहीं लग रहा था कि बोरिंग हो गई किसी भी टाइम पर। आइए बात करते हैं हम यहाँ के जो दर्शक हैं उनसे कि वो अवतार द वे ऑफ वाटर का क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मैम, आप अभी मूवी देख के आ रही हैं अवतार द वे ऑफ वाटर, क्या कहना चाहेंगी, कैसी मूवी लगी आपको? अच्छी मूवी थी, एक्शन थोड़ा कम था, बट ओवरऑल इट वाज ओके। ओके, तो आप फर्स्ट पार्ट देखी थी इसका अवतार का? जी। अच्छा, तो उससे अलग कुछ और क्या दिखाया, जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है कि द वे ऑफ वाटर, तो वाटर मतलब पानी, उनकी जो लव स्टोरी हो या एक्शन वो दिखाया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या था इसमें? हाँ। एक्शन या कुछ लव स्टोरी कुछ अलग दिखाया गया? जी, थोड़ा अलग। स्काईली ब्यूटीफुल थी, एक्शन उतना नहीं था, एंड बीच में थोड़ी सी ज्यादा एक्सटेंडेड लगी। तो आइए और भी यहाँ के दर्शक है। सर, आप अवतार द मूवी देख के आ रहे हैं, सर इसका रिव्यू आपको, सर कैसा लगा आपको मूवी, जो कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया कि एक अलग ही जो ग्रह से हैं उनकी लव स्टोरी और उनके एक्शन दिखाया गया, तो इस बार जो दूसरा पार्ट है 13 साल बाद, आपकी जो यहाँ के जो दर्शक हैं वो बहुत इंतजार करते इस मूवी के, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार और भी अच्छा उससे हाई लेवल दिखाया गया है इस बार, लव स्टोरी में या एक्शन में? इस बार वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जेक्सली की अपनी फैमिली बन गई है नावीस के साथ, तो कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसी के बारे में। अब दर्शक उनसे बात करते हैं कि वो उनको ये जो मूवी है वो कैसी लगी। सर, आप ये बताइए कि जो अवतार मूवी जो 2009 में पहले थी, उसके उस टाइम भी बहुत दर्शक उसको पसंद किए थे, और फिर 13 साल बाद जो यहाँ के जो मतलब लोग बहुत इंतजार कर रहे थे उसका, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह से इस बार अलग दिखाया गया है? इस बार अलग था, लेकिन पहले से अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, 2009 वाली ज्यादा अच्छी थी। तो इस बार नाम से ही कंफर्म हो रहा है द वे ऑफ वाटर, तो इसमें पानी में मतलब कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो इनकी लव स्टोरी या एक्शन है जो पानी में दिखा, क्या ऐसा स्पॉइलर हो जाएगा वो? ओके, तो कुछ तो बताइए आपको अलग क्या देखने को मिला, मतलब अलग था जिस तरह से स्क्रीन प्ले था, दर्शक इंतजार कर रहे थे 13 साल से इसका दूसरा पार्ट आने के लिए, तो क्या ऐसा लगा आपको, इंतजार सफल रहा? हाँ, ठीक था, उतना अच्छा नहीं गया। सर आप बताइए आपको कैसा लगा? नहीं, अभी इसके आगे के और भी पार्ट्स आएंगे ना, जैसे जैसे जेम्स कैमरून है वो आगे इसकी ट्रायलॉजी प्लान किए हुए हैं, तो ये शायद पहला पार्ट था, अब इसके आगे भी और पार्ट्स आएंगे। सर ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो 2009 में आ चुका था, ये उसके बाद ये दूसरा, अब तीसरे चौथे की भी प्लानिंग है। ये तो आपको ये मूवी कैसी लगी, पहले पार्ट से ज्यादा अच्छी थी? पहले पार्ट से उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन शायद ये थर्ड पार्ट के लिए बिल्डअप कर रहे थे। थर्ड पार्ट के लिए बिल्डअप कर रहा, ओके। मतलब कुछ लव स्टोरी अलग से दिखाया गया या कुछ और कुछ? नहीं नहीं, वो फैमिली के बारे में। तो आपने देखा यहाँ के जो दर्शक हैं वो अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर से दे रहे हैं कि जो पहली मूवी थी अवतार वो ज़्यादा अच्छी थी, इस बार का थोड़ा सा अच्छा उतना नहीं लगा, लेकिन कुछ दर्शक को पसंद भी आ रहा है। और भी दर्शक जो है उनसे भी हम बात करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो अवतार द वे ऑफ वाटर कैसी लगी उनकी मूवी। आया है 13 साल बाद, तो आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो आपको कैसी लगी ये मूवी?
जैसा फर्स्ट पार्ट था उसके अकॉर्डिंग, जैसे वीएफएक्स फर्स्ट पार्ट में था तब रावण थी उस बॉलीवुड के अकॉर्डिंग इतना हिट, उसको टक्कर तब दे रहा था। इस टाइम जो वीएफएक्स है हम लोग सोच के बैठे थे कि इतना अभी जैसे ब्रह्मास्त्र आया है उसमें काफ़ी एपिक VFX है, उसी के अकॉर्डिंग अभी भी वो टक्कर सभी को दे रही है। तो आपको लग रहा है कि ये अवेंजर और एंडगेम का ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है मूवी अवतार? एक अलग ही कंसेप्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अवतार एक अलग जगह पे और एवेंजर्स और एंडगेम अलग जगह, बट ये अगर दिखाया जाए तो देखा जाए तो एक नेचर और काफी कुछ स्पेसीज को दिखाया गया तो कुछ है, मतलब तो अलग हट के मसाला है। आपने देखा अवतार द वे ऑफ वाटर जो मूवी आई है उसके जो दर्शक हैं, कुछ दर्शक तो कह रहे हैं कि अवेंजर और एंडगेम का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो कुछ दर्शकों का यही कहना है जो इनका पहला पार्ट था जो 2009 में आया था वो पार्ट इस पार्ट से ज़्यादा अच्छा था, और कुछ दर्शकों का ये भी कहना है कि जो दूसरा पार्ट है वो भी अच्छा है। तो ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं जो दर्शक है अपनी दे रहे हैं अवतार द वे ऑफ वाटर का, अब देखना होगा कि ये मूवी इस बार क्या अलग अपनी पहचान बनाती है। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह लखनऊ। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।